लोगों को यह बनाने के लिए एक मंच बनाते हैं। आशीर्वाद का प्रार्थना 19 तारीख भगवान महावीर स्वामी के साथ में क्योंकि महावीर का हाथ कहता है मन का समय, महावीर का हाथ कहता है हाथ दया से बड़ा रहे, महावीर का भी कहता है वीर रात के भाव रहे, महावीर का राग कहता है रसना में रस खान बहे, रसना में रस खान बहे। ऐसी रसमयी भावना के साथ आप सभी भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को आत्मसात करने का प्रयास करें तो वर्तमान को वर्तमान की वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता के साथ मैं सबसे पहले भारत महामंडल के सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जिसमें हमारे इसी सिद्धांति में जो भावना भारी है एक साथ सौ शरीर हो सकती है। एक प्रयास ऐसा मुंबई में किया जाए, एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ सारे भगवान एक देवी पर विराजमान हो जाए और फिर आगे मिल करके कन्या के साथ एक होकर अपनी बात कह सकते हैं जियो और जीवे दो संदेश के साथ आप सब बोलेंगे एक दूसरे को देखते हुए बोलिए कि तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे जाने अनजाने क्षमा करना, क्षमा करना। ना बनना है धनवान, बस प्रभु बना देना मुझे एक अच्छा इंसान। यही बात मुझे बहुत अच्छे दिन एक दिन में नहीं मिलती है साहब, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है साहब, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं बातों से प्रभावित पूरा समाज है। जय समाज के अनुपम योगदान को अब आगामी पीढ़िया प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेगी। हम आपके भविष्य की सफल यात्रा की शुभकामना देते हुए श्री बंसाली साहब को सादर अभिवादन करती है। धन्यवाद। महामंडल के वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। नमो आयनम नमो वत्सायनम नमो लोई सर्वसाधुनम एसो पंच नमो यानो सर्वपावकणासनो मंगलानं च सर्वेसि परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। अरहंतो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाच सिद्धेश्वरा जय भारत। जय महामंडल के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे राहुल जी नागरिकर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी ट्रस्टियों के लिए जो बाहर से बता रहे हैं उनके लिए मेरा
बहुत बहुत आशीर्वाद। 19 नवंबर 2023 रविवार आप सभी के लिए एक संत आमंत्रित कर रहा है। आशीर्वाद वंदन भी करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ हमारे बीच में उपस्थित हमारे सबके मार्गदर्शक श्री एस पी जैन साहब, कैलाश चंद्र जी छाबड़ा, मनोज जी जैन, जमनालाल जी रूपावर, विक्रम जी, विकास जी सेठी, अभी अभी यहाँ से जो पधारे हमारे आरएसएस के संघ चालक माननीय श्री रविंद्र जी सिंघवी, श्री सतीश जी दोषी, गणपत जी कोठारी, मनोज जी जैन, भागचंद जी पहाड़िया, विमल कुमार जी सिंघी, जमनालाल जी, श्री डी पी जैन साहब, श्री वर्धमान कुमार कासलीवाल जी, श्री मनोज जैन जी, मनीष जैन जी, निर्मल जैन जी, श्री संजय राजा जैन जी जो संचालन कर रहे हैं, श्री कैलाश चंद्र जी छाबड़ा, मेरे मित्र डॉक्टर बख्शी साहब, श्री प्रमोद जी जैन, श्री मनीष जी छाबड़ा और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर जैन भाइयों बहनों, समय की मर्यादा है, हम सब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने और उनसे मार्गदर्शन पाने भी आए हैं, क्योंकि समाज आज हमारा दोराहे पे खड़ा है। लगातार पिछले 25-30 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से आक्रमण किया जाता है। आक्रमण फिजिकल नहीं होता है, पर आक्रमण मानसिक होता है, आक्रमण धार्मिक होता है, आक्रमण हमारी आस्थाओं पर होता है, आक्रमण हमारे विश्वास और सिद्धांतों पर होता है। और इसलिए भगवान तो स्वयं यहाँ पर आएंगे नहीं, उन्होंने गुरुदेव के माध्यम से हमारे पर संदेश पहुँचाते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि उनके संदेशों को योग्य रीति से पालन करें। आज यहाँ पर समापना समारोह है, समापना सबको करनी चाहिए, पर मैं गुरुदेव के चरणों में छोटा सा मेरा प्रश्न रखकर अपनी बात समाप्त कर लूँगा कि समापना क्षमा विरिष्य भूषणम, जीव मात्र को भी क्षमा करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे से कुछ कष्ट हुआ है वो तो ठीक है, पर जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे कि जहाँ पर हमारे सारे तीर्थंकर देवलोक हुए, ऐसे समय शिखर जी पर जो आक्रमण करना चाहते हैं, ऐसे समय शिखर जी पर जाने वाले भक्तों के ऊपर जो बार बार लगातार कुछ न कुछ निशाना लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माफ़ करना या उनसे लड़ना, क्योंकि कभी कभी ये भी समय आ जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छेपन से हमको तकलीफ बढ़ जाती है और कभी ताकत बताने का मौका है तो ताकत बताने से दुष्टों को भी समझ में आ जाता है कि जितने शांत सरल हैं उतना समय आने पर ये रौद्र रूप भी धारण कर देते हैं। और रौद्र रूप हमको स्वयं के लिए नहीं करना है, रौद्र रूप हमको धर्म की रक्षा के लिए करना है। आज मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियंस के लिए पोप का वहाँ पर रोम है, यहूदियों के लिए जेरूसलम है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए समय शिखर जी है। जब तक समय शिखर जी का शुभ रहेगा तब तक हमारे धर्म की आस्था रहेगी, और जब समय शिखर जी के ऊपर यदि किसी की कोई गलत निगाह सफल हो गई तो उसके बाद में हमको समझना चाहिए कि हम हमारी जिम्मेदारी में कम पड़े। मैं गुरुदेव के चरणों में विनती करता हूँ कि जो भी आज्ञा मुझे देंगे, जैसा आपको मालूम है हमने साथ में मिलकर राजा जी को मालूम है हमने बहुत आंदोलन किए हैं, आने वाले समय में भी जब कभी मेरे लायक कुछ आज्ञा होगी तो शिरोधार्य मिच्छामि दुग्धम। जय जिन के नाम का पहला अक्षर मंगल हो, जिनके नाम के बीच में प्रभात हो और लास्ट में जिसका लोढ़ा हो, धन्य है माता पिता। आज उन्होंने एक ऐसे बच्चे को पैदा किया, इसी भावना के साथ इस बच्चे का नाम रखा बेटा। यदि तू संसार में आ रहा है, परिवार तो चलता रहेगा, लेकिन बेटा संसार में आकर के धर्म का मंगल ही मंगल करते रहना, क्योंकि यहाँ पर जो भी जैन समाज पैदा होती है,
जैन समाज की सुप्रभात भगवान के दर्शन से होती है। जब मंगल दर्शन हो जाता है जैन समाज का सुप्रभात अपने आप हो जाया करता है। और आज मुंबई जैसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर लोड़ा धाम ना हो। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, जहां पर लोड़ा धाम है वहां पर संत के नाम को पासरा बना दिया जाता है। वहां संत लेके साधना करता है परमेश्वर के साथ। आज जो बात आक्रमण की गई है, आज मैं 20 साल से भक्तावर की साधना कर रहा हूँ। आचार्य मानतुम स्वामी ने ऐसे समय साधना की जिस समय पर धर्म पर आक्रमण हो रहा था। राजा भोज आचार्य मानतुम स्वामी को जंजीरों में बांध करके कारागृह में पेश करते हैं। तो समय आचार्य मानतुम चाहते कवि कालिदास को जवाब दे सकते थे, राजा भोज को भी जवाब दे सकते थे, लेकिन मौन होकर के 48 सालों के अंदर कैद हो जाते थे। कैद होने के बाद वो आचार्य मानतुम स्वामी चाहते वही पर बैठ के अपनी आत्मा का चिंतन शुद्धोपयोग की गहराई में जाकर के वही सो निर्वाण को प्राप्त हो सकते थे। फिर भी भक्तावर लिखने की क्या जरूरत पड़ी? उस समय आचार्य मानतुम स्वामी के चेहरे पर इन भक्तों की छवि दिखाई दी होगी। उस समय आचार्य मानतुम स्वामी ने सोचा होगा मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझे समय पर गोचरी कराते हैं, समय पर आहार दान देते हैं, और महिलाओं के चूल्हे जले होंगे या नहीं जले होंगे, ये विचार आचार्य मानतुम स्वामी के मन में आया होगा। जो व्यापारी प्रातः काल दुकान खोलने के पहले भगवान के मंदिर खोलते थे, आज मंदिर के ताले लगे हैं, उस समय व्यापारी का क्या हो रहा होगा? और छोटे छोटे बच्चे जो पहले गुरु के दर्शन करने के बाद स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, आज छोटे छोटे बच्चे कहते होंगे मम्मी अब मैं स्कूल पढ़ के जाके करके करूंगा क्या? बुद्धि पढ़ने से आती तो सभी बुद्धिमान हो जाते हैं, बुद्धि पढ़ने से नहीं संतों के आशीर्वाद से आया करती है। याद रखना विरासत में गति तो मिल सकती है। हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा के बारे में बताया, इन्हें विरासत में ऐसा कुछ नहीं मिला। विरासत में गति तो मिल सकती है, लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं मिला करती है। बुद्धि भगवान के आशीर्वाद से मिला करती है। उस समय मानतुम आचार्य ने आप सभी के बारे में सोचा, और आप सभी के बारे में सोचते सोचते उनके मुंह से पहले भक्त भगवान का नाम नहीं भक्त का नाम निकला, और उस भक्त के नाम से उन्होंने एक एक कार्य का शुभारंभ किया। आप सभी को मालूम है इस कोरोना काल में हमारी जिंदगी मानतुंगाचार्य जैसी थी। 2 महीने तक हम कारागृह में कैद रहे। जब हम छत से झांकते थे रोड पर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस समय लोगों ने सबसे ज्यादा भक्त अमर का पाठ किया, और आज भक्त 2550 बहुत बड़ा महोत्सव है। इतना बड़ा महोत्सव जो दुनिया के पन्नों पर आज तक आपने नहीं देखा होगा। एक मेरा जो सपना है कई समय से मैं सोच रहा हूँ, आज सभी जैन लोग हमारे बीच में बैठे हैं, आज आपने बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए हैं, प्राइम के नाम से किसी ने काम किया है, किसी ने अपनी कंपनी के नाम से काम किया है, लेकिन आज तक हमने हिंदू के नाम से भगवद गीता को याद किया, मुस्लिम के नाम से कुरान शरीफ को याद किया, सिखों के नाम से गुरु ग्रंथ साहिब को याद किया, ईसाई के नाम से बाइबल को याद किया। आज मुझे इतना बता दो जैनों का कौन सा ग्रंथ है, इतना मुझे बताइए बस, कोई भी ऐसा ग्रंथ का नाम मुझे बता दो। लोग कहते हैं जिनवाणी पूजा करने वाली, आप समय सार कहते हो, स्वतंबर कल्प सूत्र कहते हैं, कोई तत्वार का सूत्र कहता है, लेकिन सरकार को नहीं मालूम। जब भी हम जाते हैं कोर्ट में कचहरी में जाते हैं, एक ही गीता पर हाथ रखे कसम खाते हैं। आप सभी को मालूम है कौन सा ग्रंथ है आपका। मैं चाहता हूँ आज मंगल प्रभात लोढ़ा अपने एस सी जैन यहाँ बैठे हैं, के सी जैन यहाँ सब लोग बैठे हैं, इतने सारे नाम लूंगा तो हमारे जुमला सब बैठे हैं। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 19 नवंबर को हम चाहते हैं भक्तांबर एक पवित्र ग्रंथ के नाम में घोषित हो जाए।
क्योंकि यहाँ पर हम एक है, समय सार में हम एक नहीं हो पाते, क्योंकि हमें दिगंबर स्वतंबर स्थानक सबको एक करना है। हम यदि एक है, मंदिर से कभी एक नहीं हो सकते, ना कभी साधु से एक हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है और नवोकार और भक्तावर से एक हो सकते हैं। ये संख्या मैं इसी मुंबई में करना चाहता हूँ। छात्रवास तो मैं और कहीं पुणे में करने वाला था, लेकिन लक्ष्मी देवी ने कहा नहीं मुंबई, मुंबई में सिर्फ इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि जब मुंबई से आवाज उठती है, ये आवाज साक्षात सिद्ध इसरा से समय शिखर की यात्रा तक पहुँचती है और दुनिया में वो आवाज पहुँचती है। मैं चाहता हूँ 19 नवंबर, मैं तो संत हूँ, आगे की पूरी जिम्मेदारी मैं आप सभी भक्तों को देना चाहता हूँ। 19 नवंबर पर आपको कैसे करना है, एक पवित्र ग्रंथ भक्तावर जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर, रामदेव, चन्मयानंद सरस्वती, जब हिंदू संत अपने मुंह से बोलेंगे कि हमारा भगवत गीता है और जैनों का भक्तावर गीता है, इतना अगर उनके मुंह से निकल गया तो पवित्र ग्रंथ अपने आप घोषित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मंगल प्रभात अरोड़ा से जिस प्रकार से समय शिखर के लिए आंदोलन करके शिखर जी को आग बचा लिया, आगे भी बच्चे का चिंता नहीं करें, उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ मंगल प्रभाजी रोड़ा आगे आकर के इस भक्तावर को पवित्र ग्रंथ घोषित कराने के लिए यह भीड़ा अपने हाथों में ले लेंगे। मुझे लग रहा है कि ये काम अति शीघ्र पूरा हो सकता है। एक मैंने 12 करोड़ 40 का भक्तावर लिखवाया है और इस पर राष्ट्रपति के साइन, प्रधानमंत्री के साइन करवा के इस पूरे भक्तावर को दिल्ली के संसद में स्थापित कराना चाहता हूँ, जिससे लोग आने वाले समय में कह सके। और जब भक्तावर जब तक रहेगा, दिगंबर समाज पर कोई भी आग उठा के नहीं देख पाएगा। इतना बड़ा चमत्कार हमारे भक्तावर स्तोत्र के ऊपर है। मैं चाहता हूँ मंगल प्रभात जी रोड़ा ये जिम्मेदारी अपने हाथ में है। 19 नवंबर हमारे एसपी जयसर, एसी जैन जो भी यहाँ पर बैठे हैं, धमरालाल जी यहाँ पर मैं सब बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मनोज जी छाबा को मैंने जिम्मेदारी दी है, भुवनेश्वर समाज के लोग, कुलारवाड़ी समाज के लोग, जितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे उनके बस की व्यवस्था का आशीर्वाद इन्होंने दिया है कि आप भी आपके साथ सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ मंगल प्रभाजी रोड़ा बस आज ही घोषणा कर दें तो बस समय शिखर के बाद माँ जिनवाणी को एक करने के लिए भक्त अमर को एक पवित्र ग्रंथ का घोषित दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये काम मंगल प्रभाजी रोड़ा के मेरे विश्वास से कोई नहीं कर सकता है जैसा